जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल में प्रसारित धार्मिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों को। श्रमण संघी प्रवर्तक संघ रत्न प्रज्ञा महर्षि सरल मना पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहित्य दिवाकर प्रवचन रत्नाकर पूज्य गुरुदेव श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज आदि ठाणे 2 रविवार 20 दिसंबर 2020 को सेक्टर 32 से मंगल विहार कर जैन महावीर भवन स्थानक श्री एसएस जैन सभा सिविल लाइन्स लुधियाना में पधार गए हैं, जहां प्रतिदिन प्रातः 9:45 बजे से पूज्य गुरुदेव श्री जी अपने मुखारविंद से सबको प्रवचन सुनाकर कृतार्थ कर रहे हैं। सभी भाई बहन अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और ऐसे विद्वान संतों के प्रवचनों और दर्शनों का लाभ ले। कभी कभी 24 घंटे में 5-7 मिनट यह भी मन में सोचते रहना कि मैं कौन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। एक भाई बोला, बोल देते हैं, परंपरा से मान लेते हैं, लेकिन अभी तक अंदर से जागरणा नहीं आती है कि वास्तव में आत्मा हो, यह मुझे क्या अनुभव नहीं होता है। मैंने कहा, जैसे तू शांतिनाथ भगवान की पारसनाथ भगवान की माला करता है ना, इसी ढंग से एक माला रोज किया कर। वो बोली, कौन सी माला करो? मैंने कहा, एक माला रोज गिनना 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगेंगे, और वो माला है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बोलो 3 बार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पहले तो समझा इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन जब 1-2 महीने तक लगातार उसने ये माला कर ली ना, तो मन मस्तिष्क में एक आत्मा आत्मा शब्द क्या घूमने लग गया। और वो कहता, महाराज अब जो कुछ भी होता है व्यापार में परिवार में, कभी बोलना चालना भी होता है, कभी लेना देना भी होता है, कभी खाना पीने का भी क्या इंटरेस्ट आता होगा, लेकिन जब उल्टा काम पड़ जाता है, कभी कष्ट आ जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है, तो उस समय दिमाग में एक शब्द गूंजता है कि छोड़ो मैं कौन हूँ, ये सब बातें छोड़ दो, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा मन में क्या है परिणाम, ऐसा मन में भाव आने लग जाता है। और जब ये भाव जागृत होते हैं, तब ये बाहर का सिस्टम थोड़ा सा मन से हट जाता है। इन बातों से क्या डरा है, आज नहीं तो कल चीज़ें जाने वाली है, आज नहीं तो कल छोड़ने वाला हो, मैं तो कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ। तो हमेशा यह चिंतन करना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह भाव जब हमारे सोते उठते बैठते जागते प्रतिपल प्रतिक्षण हर समय, जब भी चाहे कषाय आवे चाहे कष्ट आवे, उस समय यह भाव हमारे जागृत हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह भाव अगर हमारे मन मस्तिष्क में बने रहेंगे, तो याद रखना कर्म बंधन का जो सिस्टम है, जो भारी होता है वो हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो भारी कर्म सिस्टम होता है वो हल्का बंधने लग जाएगा, मन में हल्कापन आ जाएगा, सुख भी सहन हो जाएगा और दुख भी सहन हो जाएगा। सुख में ज़्यादा मान गुमान ईगो नहीं आएगा और दुख में ज़्यादा रोना धोना या कष्ट का अनुभव नहीं होगा। तो हम आत्म भाव में विचरण करें, मैं आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है, काट दे गर कर्म तो ना भेद है ना खेद है। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री गंगानगर से नांदेड़ साहब जाने वाली ट्रेन कोरोना महामारी के चलते रोकी गई ट्रेनों में से आज शुरू की हुई मलोट पहुंचने पर मलोट की धार्मिक संस्थाओं ने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया और गुरु का लंगर बांटा गया और ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को सिरोपा भेंट किया गया। इस मौके जिला श्री मुक्तसर साहिब की धार्मिक और समाज सेवी जत्थेबंदियों के प्रधान सुखदेव सिंह की अगुवाई में कोरोना महामारी से पिछले 9 महीनों से बंद पड़े श्री हुजूर साहिब से श्री गंगानगर जाने वाली ट्रेन आज दोबारा शुरू होने पर सुखदेव सिंह ने बताया कि सिखों के 5वें तख्त श्री हुजूर साहिब के दर्शनों के लिए जाने वाली ट्रेन जो कि कोरोना के कारण बंद थी, अब सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए चालू कर दी गई है। जो साढ़े श्री गंगानगर तो लैके तख्त श्री हजूर साहब नदेड़ रेलगड्डी जोड़ी चली है, करीबन जो COVID-19 का पिछे समा सी करीब 9-10 महीने हो गए हैं, इस गड्डी नू बंद हुई पई नू, ते साढ़े जिला श्री मुक्तसर साहब दियाँ और बठिंडे दियाँ भोपाल दियाँ ते झांसी दियाँ बहुत सारिया संगतां नू भारी मुश्किल आ रही सी, क्योंकि तख्त श्री हजूर साहब जो कि 5वां साडा तख्त है, उत्थे हज़ारों की तादाद
लखों की तादाद संगत जड़िया ने नतमस्तक होने वास्ते जान और अज साढ़े जिले के समाज सेवी संस्था रेवले लंगर सेवा समिति वालों और साढ़े इस इलाके की धार्मिक शिशियत संत बाबा इकबाल सिंह जी भैणा साहब वालों अते समुचे शहर दियां संगतां दे सहयोग दे नाल जो अज रेल गड्डी गई है उस रेल गड्डी दे जिन्नी संगत सी उस नूं संत बाबा इकबाल सिंह जी भैणा साहब हरा वालों ते संगतां दे सहयोग नाल लंगर की सेवा की गई है और रेलवे लंगर सेवा समिति रजिस्टर मलोट वालों अते समुचे शहर दियां संगतां दे सहयोग दे नाल इस रेल गड्डी ते अज फुल्लां दी वर्खा की गई है और साढ़े जो इस रेल गड्डी दे प्रबंधक सन कह सकते हैं जो गार्ड सी जां जो ड्राइवर सी उन्होंने सरपाओ दे के बख्शिश की गई है। सो मैं समझदा हाँ कि जो ये रेल गड्डी 9-10 महीनों तो बाद अज चली है साढ़े जिले वास्ते समुचे मलोट दियां संगतां वास्ते बड़ी खुशी की जड़ी है वो लहर है। सो मैं सब तो वध धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का उस अकाल पुरख का शुक्रगुजार हाँ जिस अकाल पुरख की कृपा दे नाल अज ये गड्डी दोबारा चली है और समुचे संगतां नूं इहदा बहुत ज़्यादा जड़ा है वो फायदा होगा और जो गड्डी है ये मंगल शुक्र ते शनिवार श्री गंगानगर तो तख्त श्री हजूर साहब जाती है बल्कि मंगलवार और शनिवार जी है वो वाया मलोट जाया करेगी और शुक्रवार को वाया डब वाली होकर बठिंडा भोपाल झांसी मध्य प्रदेश होंदी हुई तख्त श्री हजूर साहब विखे पहुँचा करेगी। सो मैं समुचियां संगतां दा भी ऋणी हाँ धनवादी हाँ जिहड़ियां हमेशा ही इस रेल गड्डी दियाँ जो संगतां श्री हजूर साहब जांदियां हन उन्हां वास्ते हमेशा लंगरां दी सेवावां जिहड़ियां ने वह मुहैया करवा रहे हैं और ये माण महसूस करता हाँ कि जो साढ़े इस इलाके की धार्मिक शख्सियत संत बाबा इकबाल सिंह जी भैणा साहब वालों हरेक महीने के हरेक हफ्ते के पहले मंगलवार को इन वालों सेवावां लंगरां दियां दित्तियां जा रही हैं और रेलवे लंगर सेवा समिति मलोट वालों शनिवार जिहड़ियां है वह संगतां लई लंगरां का प्रबंध किया गया है और ये जो लंगरां के प्रबंध किए जा रहे हैं ये मलोट शहर दियां समुचियां संगतां के सहयोग नाल और इलाके दियां संगतां के सहयोग दे नाल किए जा रहे हैं और मैं आस करता हाँ अरदास करता हाँ कि परमात्मा अगे जिहड़ियां जिहड़ियां भावनावां दे नाल संगतां इस रेल गड्डी दियां संगतां वास्ते लंगरां दियां सेवावां दे रहे हैं परमात्मा उन्हां सारिआं दियां मनोकामनावां पूरियां करे। इन्हीं को बेनतियां करता होया एक समुची संगत नूं वधाई भी दिंदा हाँ और विशेष तौर पर अकाल पुरख का शुक्रगुजार हाँ जिन्हां दी कृपा दे नाल दोबारा 9-10 महीनों के बाद गड्डी जिहड़ी है वह चली है। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। अमृतसर के जंडियाला गुरु में आज बड़ी श्रद्धा के साथ बाबा जीवन सिंह जी का शहीदी दिवस मनाया गया और पूरे शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। श्रद्धालुओं ने बाबा जी के इस शहीदी दिवस पर शहर में जगह जगह संगतों के लिए लंगर लगाए। बाबा जी का नगर कीर्तन कटा जा रहा है बारे दस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग साध संगत जी आज का वह महान दिन है जदों धन धन बाबा जीवन सिंह जी धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज का जो जालमा ने शीस चांदनी चौक में उतार दिता सी ते ओ शीस नू महाराज जी नू चुक के ते पंजां पड़ावां दे विच भाई केता जी ओ आनंदपुर साहिब विच उन्हां पहुँचाया। जदों उत्थे महाराज दे कोल आए कीरतपुर साहिब तो उत्थे महाराज सच्चे पातशाह ने दीवान सजाया सी उत्थे फिर छाती नाल ला के महाराज गोविंद राय जी ने यह गल कही सी कि तू बहुत बहादुरी का काम किया बहुत सूरमा मैनू तेरे ते बड़ा माण आ इस करके छाती नाल ला के उन्होंने आख्या रंगरेटे गुर के बेटे रौ पंथ के संग लपेटे किसी होर दे नाल चढ़ जाओ टेटे नहीं तो विचे खाओगे फेटे। भाई गुरु के नाल जुड़े रहो अमृतधारी खालसा सजो ते सारी कौम जिहड़ी आ मजहबी का अर्थ है भाई मजहब दे विच पक्के होना जिहड़ा जिन्हां ने अमृत छक लिया वो तीसरे मजहब विच आ गए। तीसरा मजहब पहलों दो मजहब सी एक इस्लाम का एक हिंदू धर्म हिंदू मजहब ते तीसरा मजहब जिहड़ा सी ये महाराज ने खालसा साजण तों बाद पैदा किया अमृतधारी जड़ा हो गया वो मजहबी बनया ये तीसरे मजहब च आ गए। ये बाबा जीवन सिंह जी पहले उन्हों का नाँ जैता जी सी भाई सद्दा जी इन्हों का पिता सी माता प्रेमो जी इन्हों की माता सी
इस करके फिर जो शीस लिया रंगरेटे गुर के बेटे का इन्हों माण प्राप्त होया तो अज वो सारी कौम जी अपने उस वड वडेरे की कुरबानी याद कर रही है। तो हर साल की तरह महला शिवपुर जंडियाला गुरु के नगर कीर्तन निकलता है रात भी तो दिने भी आसा की वार रात कीर्तन होता है दिने आसा की वार करके मुड़ के ढाडी जथे भाई गुलजार सिंह खेड़ा ढाडी जथा भाई बूटा सिंह जी उन्होंने कीर्तन किया है तो होर भी तुंबियां वाले कलाकार जेड़े उन्होंने बाबा जी के गुण गाए थे। अमृतसर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। गुरदासपुर में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन ने दी दस्तक। जिले के कस्बा डेरा बाबा नानक के कलानौर क्षेत्र में भारत पाक सरहद पर देर रात ड्रोन देखे गए। पाकिस्तानी ड्रोन रौसा बॉर्डर निगरानी पोस्ट पर व बीओपी चंद्र वडालो पर दिखाई दिए। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की। बता दें कि गुरदासपुर के बॉर्डर क्षेत्र में 19 दिसंबर को भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आया था। इस पर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की थी और इसके बाद ड्रोन से हथियार भेजे गए थे। तलाशी अभियान में क्षेत्र से 11 ग्रेनेड मिले थे। बाद में AK-47 राइफल, 30 कारतूस और मैगजीन भी बरामद किए गए थे। एसपी हरविंदर सिंह संधू ने बताया कि बीती रात डेरा बाबा नानक के कस्बा कलानौर क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन घुस आए थे। प्राप्त जानकारी अनुसार बीएसएफ के रौसा बीओपी के पास देर रात पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने उस पर फायरिंग की। जवानों की फायरिंग के बाद यह ड्रोन पाकिस्तान की ओर भाग गया। इस संबंधी बीएसएफ को सूचना मिलने के उपरांत पंजाब पुलिस ने जांच मुहिम शुरू कर दी है। जिवें कि पता साढ़े इधर उत्थे बीएसएफ वालों नूं ड्रोन की जिहड़ी आवाज सुनाई दित्ती नेड़े च तां फिर उन्होंने उहदे च फायरिंग वगैरह की। जो अगले दिन जो आप सर्च की साड़ी पुलिस पार्टी ने नाल लैके तो उहदे च 11 ग्रनेड जिहड़े आ उह उदन बरामद होए सी विद पैकिंग मटीरियल। जिहदे संबंधी डरंगले विखे परचा भी दर्ज किया गया सी एक्सप्लोसिव एक्ट दे विच। सो उहदे तों बाद फिर सानू सीगा कि ड्रोन जिहड़ा इह राउंड करके गया दी होर डीपली सर्च की जाए। जो अगले दिन फिर दुबारा रेड सर्च जो की गई है तो एक जो नोमनी नाले के लागों पैक हुई हुई एक 60 राइफल, एक मैगजीन, 30 राउंड जिहड़े सी उहदे बरामद होए सीगे। जो ये अज रात फिर 23-24 की रात जिन्हों कहने अर्ली मॉर्निंग इधर रोज़ा पिंड जिहड़ा पैंदा कलानौर वाले पासे इत्थे भी तड़के अर्ली मॉर्निंग जिहड़े आ 12 बजे के लागे छागे अज फिर ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी है। तकरीबन बीएसएफ ने 71 राउंड किए गए फायरिंग जी, 71 राउंड फायर किए इन्हां ने। उस तो बाद अज सवेरे असीं सर्च शुरू करती है साढ़े एस पी ऑपरेशन तो DSP कलानौर SHO होर फोर्स जी सर्च कर रहे उत्थे एरिया। कदों तक सर्च चलेगी जी? हम जिन्ना एरिया कवर करांगे जी जिहड़े एरिया सानूं शक हैगा भी ड्रोन जिहड़ा कोई चीज़ सुट सकदा सर्च सर्च। हुण तक कुछ मिलिया जी? अजे तक कुछ नहीं मिलिया जी। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। किसान संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए होशियारपुर जिले के अलग अलग टोल प्लाजा और आज चौलांग टोल प्लाजा पर सुखमनी साहिब के पाठ के भोग पाए गए और कीर्तनी जत्थियों की तरफ से कीर्तन किया गया। इस मौके संबोधन करते हुए सतपाल सिंह मिर्जापुर ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पास किए कानून विरुद्ध दिल्ली में चल रहे संघर्ष दौरान 22 के करीब किसान अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए चौलंग टोल प्लाजा पर सुखमनी साहिब जी के भोग पाए गए और कहा कि केंद्र सरकार अपने अड़ियल इरादों में नाकाम रहेगी और किसानों की जीत जरूर होगी। जो पिछली 25 तारीख साडे जिथे साडियां मातावां साडियां भैणां साडे बुजुर्ग ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਾਰੂ ਵੀਰ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ 25 ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
अज तक जिन्हें भी साढ़े पीर जजारू बजुर्ग साड़िया मातावां भी सानू सदीवी विछोड़ा दे गए, अज असी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच जिथे सुखमनी साहिब दे पाठ दे भोग पाए उन्हां दी आत्मिक शांति लई असी अरदास कीती। और जिथे साडियां अज दिल्ली दे बार्डर ते जगह जगह ते जाके साडियां मातावां भैणां साडे बजुर्ग साडे जजारू वीर जिहड़े उत्थे चिट्टे आसमान दे थले रात दिन एक कर रहे आ उन्हां दी तंदरुस्ती दी उन्हां दी चढ़दी कला दी अरदास वी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां दे विच कीती। होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट। खेती कानूनों को लेकर जहां किसान और किसान जत्थेबंदियां केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन पर बैठी हैं, वहीं अब इस आंदोलन ने नई रूपरेखा लेनी शुरू कर दी है। किसानों के द्वारा अंबानी और अडानी के चल रहे कामों को मौके पर पहुंचकर रुकवाया जा रहा है। ताजी तस्वीरें बटाला के नजदीकी गांव छीना रेलवाला की है, जहां अडानी अंबानी ग्रुप की तरफ से जमीन खरीद कर बड़े बड़े गोदाम बनाए जा रहे हैं। वहां मौके पर पहुंचकर किसानों ने चल रहे काम को रोक पाया और प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार और अडानी अंबानी घरानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि जब तक खेती कानूनों को लेकर केंद्र सरकार किसानों के हक में फैसला नहीं करती, तब तक अडानी अंबानी के सभी कारोबारों को बंद करवाया जाएगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अडानी अंबानी ग्रुप मुर्दाबाद, अडानी अंबानी ग्रुप मुर्दाबाद। असि उठे रह गए दिल्ली, जो हाडे जड़े भरा भैं उत्थे बहुत औखी जिंदगी जी रहे आ, पर उन्होंने हौसले बुलंद आ। तो असी सर जिन्ना चेर उत्थे साडा कोई फैसला नहीं हुंदा जथेबंदियां दा, तो अं सैलो वगैरह दूजे अडानी बानी प्लांट टावर दूजे तीजे अं पंजाब दे विच इंडिया विच नहीं चलन देवांगे। जी जमीना खरीदियां जा चुकियां ने और प्लस ये जिहड़ा प्लांट आ तीन पिंडां दी पंचायत दे नाल बनदा पिया, दो पिंडां दी पंचायतां ने इत्थे एन ओ सी दित्ती आ और छीने पिंड दी पंचायत ने इत्थों दी एन ओ सी नहीं दित्ती हुई है। फिर भी इलीगल तरीके नाल इत्थे ये जिहड़ा अपना स्ट्रक्चर तैयार करवा रहे हैं, सरपंच साहब ने दस्सिया नॉलेज दी है इस बारे, और ये साडे नैतिक फर्ज बनते हैं जिहड़ा साडा संघर्ष चलता पिया इस सेंटर सरकार के विरुद्ध। और आने वाले समय के भी जिते भी इदा के सीलो कोई लगे हुए हैं उन्हों का काम भी बंद करावे, जोड़े लगते पे ने उन्होंने लगन ही नहीं देंगे, और जिते भी इन्हों के बाकी कंपनियां है उन्हों का पूर्ण तौर पर बाइकाट करवावे, ये साढ़े नैतिक फर्ज बनते हैं। जे अज साड़ी है किसानी के विरुद्ध बिल पास करके साडा गला घुट सकते हैं, साढ़े हक खो सकते हैं, तो असं इन्हों पंजाब वढ़न ही नहीं देंगे। ये बता दीजिए किसके गोडाउन है ये, क्या ये FCI की गोडाउन है साहब, मैंने बार बार कर दी है FCI की, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट मिली हुई हम बना रहे हैं और उन्हें हैंडओवर कर देंगे, वो उनको जो करना करेंगे। ये FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की गोडाउन तरफ से बनाया गया है, NCML को मिला है, NCML प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट है, लिमिटेड है। और आज ये जो किसान आए हैं क्या करने आए हैं यहाँ पे, क्यों भाई साहब हम अब तो ये हमें मालूम नहीं है उतना, मैं तो दूसरे स्टेट से आया, महाराष्ट्र से ट्रांसफर होके आया हूँ। नहीं अभी आप काम बंद कर दिया आपने, काम बंद हो गई, कब तक बंद रहेगा ये मुझे मालूम नहीं, ये मैं किसके कहने पे काम बंद रहेगा। हाँ जी किसके कहने से, हमें ये मालूम नहीं, हमें तो साहब पुलिस साहब ने बताया, हमने कर दी। देखो जी एक बेसिकली साइलो प्लांट लगता पिया, तीन पिंडां दी जमीन इन्होंने एक्वायर की है, गोदरपुरा चूड चाका ते छीना पंचायत का। ये प्लांट लगन दे नाल अगर असी सब तो पहला गल करिए तो साडा जिहड़ा आढ़ती भाईचारा वो खत्म होने की कगार से आएगा, जदों डायरैक्ट इतने लोडिंग अनलोडिंग होनी शुरू होएगी तो आढ़ती समाज साडा जिहड़ा वह खत्म होने की कगार से आएगा। सैकेंडली टोटली मशीनीकरण, लेबर जिहड़ी आ वो इतने सिर्फ 8 के करीब जिहड़े मुलाजम भर्ती किए गए हैं। 2015 तो लैके टिल डेट इन्हों साडे वालों जिहड़े नोटिस जा चुके हैं कि विदाउट NOC तुसीं काम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994। फिर की समझ दिओ, फिर भी काम चल रहा, फिर भी काम जिहड़ा चल रहा, पहला तो जी पंचायत के उपर पोलिटिकल प्रैशर पाया, उस तो बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैशर पाया गया, साडे BDPO साडे DDPO साडे DC वालों बार बार ये गल कही गई कि इन्हों NOC प्रोवाइड करो। हुण भी रीसेंट ये एप्लीकेशन DC दे के आया कि सानू छीना पंचायत के कोलों NOC प्रोवाइड करवाओ, तो जेकर असीं कहीए कि NOC तो बिना काम हो सकता है तो फिर ये बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के कोल जाके
क्यों डिमांड कर रहे हैं कि सानू एनओसी प्रोवाइड करो। साड़ी वालों अजे तक एनओसी नहीं दी गई, पर फिर भी यह जो काम है इस कह सकते हैं कि जी मैं 99% श्योर हाँ कि यह जो प्लांट है यह अडानी ग्रुप का, उन्होंने प्रैशर के नाल ही जरा इतने काम जरा चलता पाया, क्योंकि असं जी देखो बहुत ज़्यादा इतने रिक्वेस्टा पा चुके हैं, इन्हों भी नोटिस कट चुके हैं, डिपार्टमेंट भी नोटिस कट चुके हैं, पर कोई भी सुनवाई ना होने कारण हूँ असं हाई कोर्ट का रुख किया हो। देखो जो भी मानजोग हाई कोर्ट यदा फैसला देगी वे अगली कार्रवाई। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट पंजाब और डेमोक्रेटिक मुलाजिम फेडरेशन जिला गुरदासपुर की तरफ से किसान मोर्चे दिल्ली में शामिल होने के लिए जत्था हुआ रवाना। किसानी संघर्ष दिल्ली में शामिल होने के लिए अलग अलग जत्थेबंदी अपनी योगदान दे रही है। इसके चलते आज पूरे पंजाब से अध्यापकों और मुलाजिमों के जत्थे दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। इसी तरह बटाला से हरजिंदर सिंह और अमरजीत शास्त्री की अगुवाई में अध्यापकों और मुलाजिमों का दूसरा जत्था दिल्ली की ओर रवाना हुआ, जिसमें छोटे बच्चे भी साथ थे और सेंट्रल सरकार को कोसते हुए नजर आए। डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट पंजाब और डेमोक्रेटिक मुलाजिमों ने सांझे तौर पर बताया कि सेंट्रल सरकार काले कानूनों को रद्द करने में जितना ज्यादा समय लगाएगी उतना ही उसके लिए घातक सिद्ध होगा। इस सरकार जदों तो अपनी होंद दे विच आई आ, इन्हां ने सारे ही कानून है जिहड़े लोक हितां दे एंटी पास कीते है, इन्हां ने लोकतंत्री कदरां कीमतां दा घाण कीता है, इन्हां ने संविधान दी आत्मा नूं झंझोड़िया है। असीं अध्यापक होण दे नाते, समाज दे इक जिम्मेवार नागरिक होण दे नाते शुरू तों ही इहदे काले कानूनां दा विरोध करदे आए हैं। बाकी जिहड़ा किसानां दा मसला, इह कल्ले किसानां दा नहीं हैगा, मनुख दीआं तीन बेसिक नीड हैगीआं ने, रोटी कपड़ा ते मकान। इन्हें अज साडा प्रधानमंत्री होण दे नाते जिथे साडीआं जरूरतां पूरीआं कर रहे हैं, करोना महामारी के दौरान साडीआं मुश्किलां सुणनीआं सी, उह विचारनीआं सी, साडा साथ देना ही। इन्हें साडे कोल रोटी खोण की कोशिश की है, तो ये काम अही इनू नहीं करन देंगे, क्योंकि साडा पंजाबीआं दा इह विरसा रहा है कि जदों जदों जिहड़े हाकम ने वह मनुखता विरोधी फैसले करते हैं, तो अं सिर धड़ दियां बाजियां लाइया ने, तो अज भी जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे अं पिछे हटन वाले नहीं है, ये सारे वहम कढ़ के आवेंगे। अं दिल्ली पक्का प्रोग्राम बना के चलने कि जदों तक ये कानून वापस नहीं होंगे उदू तक अं पिछे हटन वाले नहीं है जी। पूरे पंजाब दे विचों ही डेमोक्रेटिक मुलाजम फैडरेशन अते डेमोक्रेटिक जरा जरा टीचर फ्रंट आ, इन्हों वाजों अज पूरे पंजाब दे विच जिहड़ी आ उत्थे दिल्ली वास्ते शमूलीयत की जा रही अंदोलन दे विच, इहदे विच साडी जिहड़ी गिनती आ उह वड्डी पद्धर ते अज अध्यापक ते सारे मुलाजम जिहड़े आ जा रहे, इसे तरह ही अज गुरदासपुर जिले दे विचों जा रहे आ। इह जिहड़ी साडी मुलाजमां दी अते अध्यापकां दी इह जिहड़ी उत्थे शमूलीयत आ, इह किसान अहीं इह नहीं समझदे वी इकल्ला किसानां दा अंदोलन हैगा, इह सारे भारतीयां दा अंदोलन हैगा, क्योंकि इहदे नाल सारे भारतीयां नूं प्रभावित करना इस जिहड़ा वा इह काले कानूनां ने। इस करके जे मोदी ये समझदा भी ये थक हार के बैठ जाएंगे, ये गल वो ये भुल जे, क्योंकि ये जरा महीना चलन दिया ये शहीदा जड़ियाँ इतने बड़िया बड़िया शहीदियां हुई ने, साडे सच्चे पातशाह गोबिंद साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी उन्होंने बच्चे जड़े आ इस महीने के शहीद होए ने। इस करके वो जरा जज्बा वा, वो जी विरासत है साडे गुरुआ की, वो साडे सारे पंजाबियों के अज उत्थे लोग बैठे ने पोह के महीने के, वो ये मोदी नूं दस देना चाहते ने कि तू ये भुल जा के जे थक हार के बैठ जाएंगे तो कानून जे अं वापस नहीं लवेंगे, ये कानून जोड़े वापस लेने पैने ने, क्योंकि लोगों अगे जी कोई भी सरकार अड़ नहीं सकती, लोग सब तो व्डे होंगे ने, लोगों की लहर सब तो व्डी होंगी आ, लोग ही सरकार बनाते हैं तो लोग ही सरकार जड़िया तोड़ते भी आ। इस करके जोड़ा मोदी आ वो ये भुल जाए कि आने वाले समय के जिस तरह वो कर रहा कि लोग विरोध नहीं करे, ये होर तिखा विरोध होएगा, ज्यों ज्यों ये जरा घोल आ लंबा चलेगा त्यों त्यों तिखा होंदा जाएगा, क्योंकि हरेक पहला ये पंजाबी पहला गए ही, हरियाणे के लोग भी आने शुरू हो गए, राजस्थान के, अज वेखो महाराष्ट्र के भी जोड़े आ लोग कूच कर रहे दिल्ली वालू, यूपी के भी बहुत वड्डी पद्धर उत्ते किसान तो अलावा व्यापारी आड़ती जां होर जिहड़े छोटे मजदूर ने जां इस तरह के हरेक वर्ग के ने समझिया कि साडी लड़ाई आ,
जे अज ये कानून लागू हो जाते हैं तो ये कला जो किसान प्रभावित नहीं होएगा, ये व्यापारियों का जोड़ा वा धंधा वह भी चौपट हो जाएगा, ये जोड़े मजदूर आ उन्होंने भी रोटी रोजी जी खोई जाएगी, क्योंकि जे अज मंडियां नहीं रहिंदियां तो उत्थे जे हजार जे लखां मजदूर काम करते हैं उन्हों का रुजगार भी खोया जाएगा। मंडियां के नाल कल्ले आड़ती नहीं जुड़े, वो मजदूर जुड़े ने, आम दुकानदार जुड़े ने, इस करके जोड़ा मंडी करने वो जे 6,000 करोड़ रुपया पंजाब में आता तो पंजाब की डिवेलपमेंट वास्ते लगता, जे वो 6,000 करोड़ रुपया भी बंद हो जाता तो पंजाब की डिवेलपमेंट वो बंद हो जाएगी। इस करके जे वो कहता कि जे कानून ने कंट्रैक्ट खेती जी जे वो कंट्रैक्ट खेती कहता भी बड़ी लाहेवंद आ, अं उन्होंने कहने कि कंट्रैक्ट खेती जी तू दस किस तरह लाहेवंद आ, अं दसते हैं कि बहुत जी लोगों वास्ते मारू जोड़ा वा कानून आ, क्योंकि जोड़ा वा व्यापारी आ जो व्डे व्डे फार्म बनाएगा किसान के तो जी जमीन लेगा वो उत्ते उन्हें लोन भी लैना वा तो लोन जोड़ा वा वो जो लेगा तो वो उत्ते जे लोन नहीं दिंदी कंपनी तो वो जी जमीन आ वो जी अक्वायर किन करनी आ वो बैंक अक्वायर करे, किसान जरा हथल होकर बह जाएगा, किसान को कुछ नहीं मिलेगा। इस करके आने वाले समय के जोड़ा अंदोलन आ बड़ा तिखा हो जा रहा, मोदी को अं दस देना चाहते हैं कि अच्छा हज़ार जे मुलाजम ने अध्यापक ने डेमोक्रेट टीचर फ्रंट के डेमोक्रेट मुलाजम फैडरेशन के अज दिल्ली वाल कूच कर रहे हैं, ये साडा तीसरा जथा वा, इस तो पहला अं 4 तरीक न गए से 18 तरीक न गए से, अज जरा सा जथा वा इस तरह इस तरह लगातार साडे जे जथे आते रहेंगे तो इस अंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। गुरदासपुर सतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। आंखों की रोशनी हर व्यक्ति के लिए बहुत अहम है, सर्दियों में आंखों का कैसे बचाव रखना चाहिए? कई बार देखा गया है कि सर्दियों में विशेषकर बच्चों में आंखों के कई रोग देखने को मिलते हैं, आमतौर पर लोग इसको मामूली जानकर अक्सर नजरअंदाज कर दिया करते हैं या फिर घरेलू टोटके ही अपनाए जाते हैं, परंतु जो आगे चलकर आंखों के लिए बेहद हानिकारक साबित होते हैं, इसी को लेकर हमारे संवाददाता दीनानगर से प्रिंस आनंद ने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरसेम लाल थापर से विशेष बातचीत की। आइए जानते हैं आंखों से बचाव की क्या उपाय हैं। प्रिकॉशंस यही है कि आपां अखां नूं हाथ घट लगाइए, फिर कैंडी हैंड वॉश करिए ताकि अखां दे नाल टच ना आए और आई फ्लू घट होए सन। बाकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कटन करके बच्चों नूं बहुत बाहर जिहड़ी माइनर इफेक्टिव एरर होंदी है, थोड़ी जी नंबर भी हुंदा एनक दा, अजकल बाहर लाइट कटन करके वो नंबर बच्चे नूं ज़्यादा महसूस हुंदा है। सो उस तरह के पेशेंट भी छोटे छोटे थोड़े थोड़े नंबर वाले भी साढ़े को बार बार आ रहे हैं जिन्हां दे नंबर थोड़ा लगता है, बट वो इंटेंसिटी कटन करके उन्होंने ब्लरिंग ऑफ विजन जां धुंधलापन बाहर ज़्यादा दिखता है। देखो जी बच्चों लिए तो सब तो इंपॉर्टेंट हैगा विजन टेस्ट, नज़र चैक कराना। सो जे उस कोई प्रॉब्लम है तो 8 साल तक के बच्चों खास करके नज़र चैकअप बहुत जरूरी होंगे, जो उनके पेरेंट्स लगता है कि बच्चे को देखने टीवी देखने प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा टीवी क्लोज जाके देख रहा है तो उसका नज़र चैकअप बहुत जरूरी है। सो इस तो उपर एज ग्रुप में भी आईसाइट चैक करानी चाहिए है। सो एल्डरली पेशेंट जिम्मे 40 साल के अराउंड सानू नीयर विजन की प्रॉब्लम आती है, नेड़े देखने की प्रॉब्लम आती है, सो वो जे अपना चैकअप जरूर कराना चाहिए और नेड़े चश्मा लाना चाहिए। इस तो अबव जो तुम 40 तो उपर जो प्रॉब्लम आती है फिर आई का कंप्लीट चैकअप होंगे, जिस कि काले मोतिया की जाँच, चिट्टे मोतिया की जाँच, अख के पर्दे की जाँच, ये तीनों टेस्ट जेड़े है 40 मोतिये तो 40 साल तो उपर ये बहुत जरूरी है। दीनानगर से प्रिंस आनंद की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ, तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।